सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 69वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद को हम देख रहे हैं और उसमें आज 12वां अधिकरण हम प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षा में 11वां अधिकरण किया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पीछे के पूछिए। पेज 324 जी, दूसरी लाइन में विषुव देवो ही तत्र अमीक्षा संवृत्ति। अमीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? हाँ, अमीक्षा को छेना बोलते हैं ना, पनीर बोलते हैं, पनीर उसको अमीक्षा बोलते हैं। दूध में दही डाल करके और उसको गर्म करते हैं तो फट जाता है, फटने पे जो गाढ़ा भाग रहता है उसको आमिक्षा बोलते हैं जी। और कोई पूछो। पृष्ठ संख्या 329 हाँ, इसमें दूसरी पंक्ति है, द्वादश कपालता ही यागस्य वाक्येन अष्टाकपालादय प्रकरणेन। अष्टाकपालादि का प्रकरण के द्वारा याग की विधि की जाएगी? याग की विधि नहीं की जाएगी। याग से द्वादश कपालता, इसको समझिए नहीं, याग की द्वादश कपालता का मतलब हुआ याग के लिए गुण का कथन हुआ। याग कैसा होगा? द्वादश कपाल वाले पुरोडाश वाला होगा। तो याग से द्वादश कपालता मतलब याग तो प्रधान हो गया और द्वादश कपालता एक गुण कथन हो गया। तो याग की द्वादश कपालता का ज्ञान कैसे हुआ? वाक्य ना, वाक्य से। कौन सा वाक्य है ये? उत्पत्ति वाक्य है। जहां याग की विधि की गई ही उसी वाक्य में द्वादश कपालता है, तो ये उत्पत्ति वाक्य से पता लग रहा है। ठीक है। और अष्टाकपालादय, अष्टाकपाल, नव कपाल, एकादश कपाल, वो जो अन्य कपाल से किस किस से क्या क्या होता है, वो जो अनेक चीजें दी गई, तो इसलिए आदि कहा। तो अष्टाकपाल आदि जो हैं वो याग के कैसे सिद्ध होते हैं? जुड़ते तो हैं याग से, वो प्रकरण से जुड़ते हैं। क्योंकि वो वचन इस प्रकरण में पढ़े गए हैं इसलिए अष्टाकपालता तो याग के साथ सीधी वाक्य से जुड़ रही है। ठीक है। नहीं, द्वादश कपालता याग के साथ में सीधे वाक्य से जुड़ रही है और अष्टाकपाल आदि जो गुण है वो चूंकि उस पूरे प्रसंग में प्रकरण में पढ़े गए हैं इससे वहां पर लागू हो रहे हैं, याग में घट रहे हैं। ठीक है। तो वाक्य की अपेक्षा प्रकरण दुर्बल होता है। यद्यपि ये भी वाक्य है, ये जो अष्टाकपाल आदि जो है वाक्य है, लेकिन वो याग के विधायक वाक्य नहीं है, मुख्य वाक्य नहीं है, उसके साथ में ये जुड़े हुए हैं, प्रकरण से वहां पर आ रहे हैं इसलिए। तो इसके जो इसी तीसरी पंक्ति है इसमें आगे कहा है, अपि च अष्टत्वादयः पुरुडाशेन एकवाक्यता भूतः। एक मिनट, आप कहां पढ़ रहे हैं? तीसरी पंक्ति अंतिम। ये तो तीसरी पंक्ति तो थी अष्टाकपालादय प्रकरण है ना। हाँ, हाँ आगे उससे तीसरी पंक्ति अंत से पढ़ रहा हूँ। अपि च अष्टत्वादयः पुरुडाशेन एकवाक्य भूताः। हाँ। प्रकरणं बाधित्वा न यागस्य भविष्यति। हाँ। तो ये प्रकरणं बाधित्वा क्यों कह रहे? क्योंकि वो तो प्रकरण से ही प्राप्त थे, वाक्य को बाध सकता था ऐसा ना। इसको अर्थ को समझो, इसको ये अलग बात है। देखो वहीं से देखिए, पहले तो कहा कि प्रकरण, ये प्रकरण से कहे गए हैं, अष्टाकपाल आदि प्रकरण से कहे गए हैं और द्वादश कपाल आदि वाक्य से कहे गए हैं। तेन ते यागे न भविष्यन्ति, इस कारण से ते मतलब वो जो अष्टाकपाल आदि गुण है वो याग में नहीं होंगे, दुर्बल होने से नहीं होंगे। अपिच और अष्टत्वादय पुरुडाशेन एक वाक्य भूता, ये जो अष्टत्व आदि गुण है ये किसके साथ में जुड़ रहे हैं? पुरुडाश के साथ में एक वाक्य भूत है, याग के साथ में एक वाक्य भूत नहीं है वो,
क्योंकि अष्टाकपाल शब्द वो पूर्णाश को कह रहा है, तो जिस वाक्य में ये गुण अंततः पूर्णाश के साथ में जाकर के जुड़ता है, कपाल को कहता हुआ भी वो पूर्णाश से जाकर के जुड़ता है। तो अपिच अष्टत्वादय पूर्णाशेन एक वाक्य भूता प्रकरणम बाधित, प्रकरण को बाधित करके। अब ये एक वाक्य भूत का मतलब ये नहीं कि वाक्य से प्रकरण, वाक्य प्रकरण को बाधित नहीं कर सकता, ये मतलब नहीं है यहां पर। अष्टगुण पूर्णाश के साथ में जुड़ रहा है, याग के साथ में नहीं जुड़ रहा है, ठीक है। अब वो जो प्रकरण था वो प्रकरण किसका था, याग का था, किसी विशेष याग का था। अब चूंकि ये पूर्णाश से जुड़ चुका है इसलिए उस याग से नहीं जुड़ेगा। अगर इसकी चीजें प्रकरण से जुड़ती तो वो याग से जुड़ती, ये वाक्य के कारण से अपने में स्थित पूर्णाश से जुड़ गई है वो। तो प्रकरणस्थ जो द्वादश कपालता थी, याग की द्वादश कपालता थी, उसको बाधित नहीं कर सकता अभी। यहां वाक्य और प्रकरण उस शैली से नहीं देखिए आप, वैसे तो वाक्य प्रकरण से बलवान होता है, ठीक है। यहां क्या मतलब है, यहां उस तरह से नहीं लेना है। वाक्य तो द्वादश कपाल वाला भी है, पहले से कह ही दिया उन्होंने, पर पूरे प्रकरण में जो कपाल है पूर्णाश है वो द्वादश कपाल, ये पता लग रहा है हमारे को। यद्यपि वाक्य में है लेकिन पूरे प्रकरण की दृष्टि से याग से जुड़ रहा है वो, ये पूर्णाश से जुड़ रहा है। तो अब ये पूर्णाश से जुड़ा हुआ प्रकरण में स्थित द्वादश कपालता को बाधित नहीं कर सकता। जो द्वादश कपाल था वो भी पूर्णाश के साथ जुड़ के जुड़ती है, लेकिन वो पूर्णाश से जुड़ते हुए याग से जुड़ रही है सीधी वाक्य के द्वारा। ये तो प्रकरण से जुड़ेगा याग से। देखो यहां ये शब्द एक वाक्यता और प्रकरण को उस तरह से मत लो, उस तरह लोगे तो यह अर्थ नहीं घटेगा। यहां जो प्रकरण है उपक्रम से लेकर उपसंहार तक का, उसको ये बाधित नहीं करेगी। यागस्य बाधित्वा न यागस्य भविष्यति, यागस्य मतलब यागांतस्य, याग के जो विभिन्न कर्म हैं उनको बाधित नहीं कर सकती है, उनको बाधित नहीं कर सकती है। और जो ऊपर जो प्रकरण कहा था अष्टा कपालादय प्रकरण, वो प्रकरण फिर अलग है, वो अपनी जगह ठीक है ऊपर वाला। हाँ। ये अष्टा कपालता याग से जुड़ नहीं रही है, इतना कह रहे हैं, याग से जुड़ नहीं रही है, पूर्णाश तक ही रुक गई बस। अब उस याग में पूर्णाश लिया जाएगा, वहां द्वादश कपाल पूर्णाश पहले से है, अब ये अष्टादश का अष्टा कपाल पूर्णाश लिया जा रहा है, वो वहां उसको बाधित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं बाधित कर सकता है, पहले वाला अर्थ लीजिए, क्योंकि अष्टा कपाल तो प्रकरण से प्राप्त हो रहा है, द्वादश कपाल वाक्य से हो रहा है, इसलिए उसको बाधित नहीं कर सकता, एक बात हो गई। तो अब ये जो अष्टा कपाल है ये पूर्णाश से तो जुड़ रहा है, वो तो द्वादश कपाल भी पूर्णाश से जुड़ रहा था, ये पूर्णाश से जुड़ता हुआ प्रकरणस्थ याग से नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि प्रकरणस्थ याग से द्वादश कपालता पहले से जुड़ चुकी है, प्रकरण याग का है उसके साथ द्वादश कपालता पहले से जुड़ चुकी है, उस जुड़ी हुई द्वादश कपालता को ये अष्टा कपाल बाधित नहीं कर सकता है। उसको बाधित करे तब ये याग के साथ में जुड़ सकता था। अष्टा कपालता का अष्टगुण यद्यपि पूर्णाश से जुड़ रहा है लेकिन वो याग से कब जुड़ सकता था, जब द्वादश कपालता पहले हटे, उसको वो हटा, ये हटा नहीं सकता है, इसलिए इसका याग से संबंध नहीं होगा। इसीलिए देखो आगे कहा यागा संबंधे च अनर्थ कहा, और याग से संबंध नहीं होने पर ये अनर्थक हो जाएंगे, ठीक, इसकी सार्थकता नहीं रहेगी। पूर्णाश है किसके लिए, याग तो होगा ना, देवता के लिए त्याग तो करना पड़ेगा, तो किस देवता के लिए और कहां त्याग है, ये तो आ ही नहीं रहा है, याग से संबंध जुड़ ही नहीं रहा है, तो ये व्यर्थ हो गया, अनर्थक हो जाएंगे। और पूर्णाश संबंध है फलाभावात, और यदि आप इसको केवल पूर्णाश से ही संबंध रखोगे, याग तक ना ले जाओ और केवल पूर्णाश तक रखो, तो उस पूर्णाश का कोई अलग से फल नहीं कहा गया है वहां पर, तो फल का अभाव होने से तो भी अनर्थक हो रहा है। याग से अगर ये जुड़ जाता तो सार्थक हो सकता था, क्योंकि याग का फल कहा गया है, पूर्णाश का अपने आप में कोई फल नहीं कहा गया, तो दोनों ही तरह से ये अनर्थक हो रहा है, हो गया। और बोलो। ओम आचार्य जी, अभी इसी प्रसंग में यहां पर जो प्रकरणम बाधित्वा में जो प्रकरण है वो
वैश्वानरम द्वादश कपालम, इसको बता रहे हैं क्या? इसको बता रहे हैं हाँ। केवल वैश्वानर द्वादश कपाल को बता रहे हैं। और चूंकि अब पहले ही वैश्वानरम द्वादश कपालम का निर्वपेद के साथ में संबंध हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल। तो उसको बिना बाधे मतलब ये उसके साथ याग के साथ में नहीं जुड़ सकता। वैश्वानर इष्टि है यहाँ पर, प्रकरण है वैश्वानर इष्टि, उससे जोड़ करके हाँ, ठीक है। आचार्य जी, इसमें जो वाक्य और प्रकरण का दो भेद दिखाया है उसको मैंने एक आज सुबह देख रहा था उसकी परिभाषा के अनुसार, तो ऐसे समझा एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है या गलत है एक बार। यहाँ पर वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत पुत्रे जाते, यहाँ पर वैश्वानर और द्वादश कपाल इसका निर्वपण क्रिया के साथ में याग और उसका जो गुण है दोनों का एक साथ विधान कर दिया, तो यहाँ पर समभिहार होने से एक वाक्य बन गया ये। अच्छा, फिर इसके बाद में आगे जो यद अष्टाकपालो भवति, तो इनको तो सीधा याग के साथ में विधान नहीं किया, लेकिन ये याग के लिए चूंकि प्रकरण में पढ़े गए हैं इसलिए एक संभावना हो सकती है कि ये उस याग के साथ में जुड़ सकते हैं। बिल्कुल यही है। तो चूंकि प्रकरण इस दृष्टि से तो नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्योंकि वो वैश्वानर याग का प्रसंग चल रहा है और उसमें बीच में ये वाक्य आया है तो उससे जुड़ेगा, वो प्रकरण भी जोड़ने वाला होता है तो प्रकरण के कारण से ही जुड़ रहा है, बिल्कुल यही बात है। हाँ ठीक है, प्रकाश जी। आचार्य, पृष्ठ संख्या 251 विवरण के अंतर्गत हिंदी में प्रथम पंक्ति में है सतो गतिश्चिंतनीया न्याय। सतो गतिश्चिंतनीया, सतः मतलब विद्यमान, विद्यमान की, सत का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, उसकी गति यानी समाधान चिंतनीय है, विचारना चाहिए, जो चीज दिखाई दे रही है उसका कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। ये अच्छे अर्थों में भी घट सकता है और गलत अर्थों में भी घट सकता है। यहाँ जो इन्होंने उद्धृत किया है ये निंदित अर्थ में किया है कि आज जो कर्मकांड प्रचलित है, जो कि गलत चीज़ें भी प्रचलित हो गई हैं, उसको मीमांसक लोग या कर्मकांडी लोग जैसे तैसे ये न के न प्रकार है ना उसको सत्य सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, नहीं तो वो जो चल रहा है उसको गलत कैसे कहें, इतने सालों से करते आ रहे हैं उसको गलत भी कैसे कहें, छोड़ सकते नहीं हैं, तो इसलिए वो उसको हाँ करते हैं कि ये ऐसा ही है, उसको जैसे तैसे करते हैं, उसको कहा सतोगतिश चिंतनिया के आधार पर करते हैं। लेकिन इसको अच्छे अर्थों में भी लिया जा सकता है कि वेदादि जो शास्त्र हैं यानी जो सत्य शास्त्र हैं, वहाँ के जो वाक्य हैं, वहाँ के जो कर्म हैं, वहाँ जो चीज़ें विद्यमान बताई गई हैं, गुण कर्म आदि बताए गए हैं, वो हैं तो वो सत्य ही हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, वेद के हैं, ईश्वर के हैं, वो बिल्कुल ठीक ही हैं, लेकिन हमें ठीक नहीं लग रहे हैं, वो प्रथम दृष्टि से देखने पे गलत लग रहे हैं या समझ में नहीं आ रहे हैं, तो जो है उसकी उसका समाधान कैसे लगे, उसका अवगमन बोध कैसे हो, ये हमें प्रयास करना चाहिए, विचार करके करना चाहिए, उसमें विशेष विचार करना चाहिए, कुछ ना कुछ समाधान वहाँ अवश्य निकलेगा, प्रयास करना चाहिए, ये एक कर्तव्य बताया जा रहा है। व्याकरण में भी जो परिभाषाएं आती हैं उसमें प्रथम परिभाषा जो मानी गई मुख्य, उसमें व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही, जहाँ कहीं संदेह की स्थिति आती है तो व्याख्या करके संगति लगा के विशेष जान करना चाहिए, विशेष बोध करना चाहिए, प्रथम दृष्टि में गलत लग रहा है तो विशेष व्याख्या करके वहाँ बोध किया जाता है, संदेह के कारण से वो अलक्षण यानी वो गलत है ऐसा नहीं कह सकते, केवल हमें संदेह हुआ और हम कहते हैं ये गलत है ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसका तात्पर्य अवश्य ढूंढना चाहिए। बड़े व्यक्तियों का, ऋषियों का, परमात्मा का कोई वचन है तो हमारा पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि पहले उसका तात्पर्य देखें कि भाई ये चीज कह रहे होंगे, क्योंकि वो गलत नहीं कहते हैं। हाँ, निंदित अर्थ में यहाँ कैसे? निंदित अर्थ में इसलिए है कि कर्मकांड में कुछ चीजें गलत प्रसिद्ध हो गई हैं, ये जो यज्ञ प्रक्रिया, यज्ञिक प्रक्रिया चल रही है उसमें कुछ बातें गलत होते हुए भी वो उसके साधुत्व प्रतिपादन में ही अपना श्रेय समझते हैं कि किस तरह से इसको सत्य सिद्ध किया जाए। जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें गलत भी चल रही हैं उसको भी सत्य सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे धर्म के क्षेत्र के अंदर है, मान लो मूर्ति पूजा है तो उसको भी वो सत्य सिद्ध करना चाहते हैं, शिव जी की पूजा क्यों करनी चाहिए, शिव जी के ये रंग रूप क्यों हैं, तो उसके लिए विशेष उसमें तरह तरह की बातें कहने लग जाते हैं,
उसमें कुछ कुछ तर्क लाते हैं, युक्ति लाते हैं, उसमें कुछ वैज्ञानिकता ढूंढने लग जाते हैं, जो है उसको जिस भी तरह से सिद्ध करना चाहते हैं, नहीं इसमें ये कारण है, गलत नहीं है वो, ये जो गलत ढंग से प्रयास करते हैं वो ठीक नहीं है। उचित सत्य बात है उसको हमें सिद्ध करना चाहिए, हमें पता है कि गलत है फिर भी उसको जैसे तैसे सिद्ध कर रहे हैं। सती प्रथा है उसको भी कोई सत्य सिद्ध करना चाह रहा है, रिश्वत ली दी जाती है उसको भी कोई सत्य सिद्ध करना चाह रहा है, इत्यादि बातें, झूठ बोली जाती है वो गलत है लेकिन उसको भी कोई उचित ठहराने के लिए प्रयत्न कर रहा है, ये जो है ये निंदित अर्थों में कहलाता है। सतोगतिश चिंतनिया। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 332 में 22वां सूत्र, इसमें पहले पूर्व पक्षी ने एक आक्षेप किया था कि अगर हम ब्रह्म वर्चस आदि को कारण मान लेंगे तो अष्टाकपाल आदि का विधान हो जाएगा, तो ये सारे अलग अलग वाक्य हो जाएंगे, तो फिर इसमें मतलब कोई दोष भी नहीं आएगा, गुण विधि हो जाएगी। तो उसके समाधान में जो यहाँ कहा कि यदि कामाय विधयः भिन्नानि वाक्यानि स्युः, यदि अलग अलग कामनाओं के लिए इन विधानों को मानेंगे तो ये सारे अलग अलग वाक्य होंगे, परंतु यहाँ पर अलग अलग वाक्य वस्तुतः नहीं है, ऐसा कहते हुए फिर अंतिम भाष्य के अंतिम में एक पंक्ति कही है, तस्य मध्ये अष्टत्वादयः श्रूयमाणा यदि न संबध्येरन् ततो वाक्यांतराणि भवेयुः। ये वाक्य यहाँ पर कैसे संगत हो रहा है वो नहीं समझ में। ये तो आपने कुछ बात तो आगे की कही, जैसे इन्होंने क्या कहा कि ये वाक्य वैश्वानरम द्वादश कपालम यहाँ से लेकर के और पशुमान भवती ये अंत तक, आरंभ से उपक्रम तक, ये जो पूरा का पूरा हुआ और इसी के बीच में अष्टत्वादि वाक्य सुने जा रहे हैं, अष्टाकपाल आदि के ये वाक्य सुने जा रहे हैं, तो यदि ये इनसे संबद्ध नहीं होते हैं, याग से संबद्ध नहीं होते हैं तो ये भिन्न वाक्य माने जाएंगे। यदि ये प्रसंग के आगे पीछे के वाक्यों से जुड़ रहे हैं तो वाक्यिक वाक्यता की दृष्टि से ये एक वाक्य हो जाएगा, अर्थवाद होगा तो एक वाक्यता हो जाएगी शेष शेषी की दृष्टि से, लेकिन अगर ये अर्थवाद नहीं है तो इसका स्वतंत्र विधान मानना पड़ेगा, स्वतंत्र विधान मान रहे हैं तो ये अलग वाक्य हो जाएगा, स्वतंत्र बात को कह रहा है तो ये अनेक वाक्य हो जाएंगे, ठीक है, हो गया बस। हाँ जी, अनेक वाक्य हो जाएंगे, परंतु पूर्व पक्षी तो मान ही रहा था कि अनेक वाक्य ही है, उसका तो उत्तर नहीं आया फिर। ये अनेक वाक्य पूर्व पक्षी ने कहा है कि भाई अनेक वाक्य हैं इससे पिछले सूत्र में, क्या कारणम स्याद इति चेत, अर्थात ब्रह्म वर्चस आदि अष्टाकपाल आदि के कारण हो जाएंगे, ये तो ठीक है, तो फिर अलग अलग वाक्य हो जाएंगे, तो इसमें क्या कहते हैं अर्थवाद मानने की आवश्यकता नहीं है, गुण विधि हो जाएगी, ऐसा कह रहा था। नहीं, अब पंक्ति बताओ वो, जहाँ उसको देख लेते हैं पहले, जहाँ इन्होंने अलग अलग वाक्य होंगे ये कहा है। जी, यहाँ से दूसरे इससे पहले सूत्र के प्रारंभ में 21वें सूत्र के भाष्य से देख सकते हैं। 21वां सूत्र, हाँ, इति चेत भवान पश्यति अर्थवादा इति कारणम अष्टत्वादीनां ब्रह्मवर्चसादि कस्मान् न भवति ब्रह्मवर्चस कामस्य अष्टकपालः एवं उत्तरेषु यथा कामम् किम एवं भविष्यति। तो यह कह रहे हैं कि पुरोडासस्य गुण विधाने अपि आनर्थक्यम न भवति, अर्थात पुरोडास के गुण का विधान करेंगे, अष्टत्व को पुरोडास का विशेषण बनाएंगे तब भी इसमें, देखो इसमें अलग अलग वाक्य का लिखा नहीं है सीधे सीधे, मैं यही पूछना चाह रहा था, आप उस सारे को बोल रहे हो लेकिन इसमें अलग अलग वाक्य हैं, ये सीधे सीधे कुछ कहा नहीं है कि वो मानता है कि ये अलग अलग वाक्य हैं, सिद्धांति की दृष्टि से वो सारा का सारा चूंकि एक प्रसंग चल रहा है तो ये भिन्न वाक्यता नहीं है, एक वाक्यता होने पे उसका विधान अलग होना चाहिए, बीच में क्यों विधान कर रहे हैं उसका, प्रारंभ कुछ और है अंत कुछ और है और बीच में कुछ चीजें डाल दी गई हैं, अगर वो अलग ही विधान थे तो वहां बीच में क्यों डाले गए थे, अलग कर देते ना उसको, जैसे इतने सारे इतनी सारी इष्टियां हैं वो अलग अलग कही गई हैं, ये इष्टि भी अलग कर देते, लेकिन ये अलग नहीं कही गई है, वहां बीच में कही गई है तो इसको हम अलग अलग नहीं मान सकते, ये एक ही वाक्य है, इस ये अभिप्राय है सिद्धांति का। जी, इसमें जब 22वें सूत्र में सिद्धांति ने कहा कि यदि कामाय विधेयः भिन्नानि वाक्यानि भवेयुः, तो इसका मतलब है कि पूर्व पक्षी भिन्न वाक्यों को मान रहा था तभी तो ऐसे कह रहा है, दोष कह रहा है ये, अगर चूंकि ये तो अलग अलग नहीं है, पूर्व पक्षी मान रहा है ऐसा नहीं कह सकते, दोष कह रहा है पूर्व पक्षी, बल्कि यूं कहो कि पूर्व पक्षी भी इनको एक ही वाक्य मान रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि अगर आप ये मानोगे तो देखो अलग अलग वाक्य हो जाएंगे ये, तभी तो वो दोष क्यों स्वीकार करेगा, वो और वो भी पक्ष है दूसरा, अगर आप यूं कहो कि वो अलग अलग मानता है
और ये कहेगा कि तो अलग अलग वाक्य हो जाएंगे, तो यूं कहेगा हो जाने दो ना, क्या है, वो नहीं मानता है, वो भी एक ही मानता है, और उसमें दोष दिखाया जा रहा है कि अलग अलग हो जाएंगे वाक्य, अलग अलग विधि हो जाएगी इसमें, अलग अलग विधि है तो यहाँ क्यों पढ़ा है इसको, अलग ही पढ़ देते ना, ये बात आएगी। अस्मिन विषय सप्तदश सूत्र तो विधान सामर्थ्यम पूर्व पक्ष न उत्पन्न, सप्तदश सूत्र संख्या 328 द्वितीय पंक्ति विधान सामर्थ्यम, तो पूर्व पक्ष तो पृथक रूपेण से विधान स्वीकरोति, अलग स्वीकार कर रहा है वो, तो पृथक वाक्य भी भविष्य अगर ऐसा करता है तो, लेकिन पृथक विधान है नहीं ना, वो पक्षी ने अपनी बात रखी है, अलग विधान, अलग विधान मतलब गुण विधि मान रहा है वो, देखो पृथक विधान मानते हुए भी वो गुण विधि मान रहा है, अलग से याग का अलग से विधान नहीं मान रहा है, गुण की विधि मान रहा है, ठीक है, अपूर्व का तो कथन कर रहा है लेकिन गुण की विधि मान रहा है उसी में। सिद्धांत यहां जो अलग अलग वाक्य की दृष्टि से कह रहा है कि अलग अलग वाक्य हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रकरणस्थ याग है उससे तो ये जुड़ नहीं पाएगा, और फिर भी कुछ कथन किया जा रहा है, तो ऐसी कामना वाला ये करे, ऐसी कामना वाला ये करे, ये स्वतंत्र हो जाएंगे, अस्मात् कारणात् स्वतंत्र भविष्यति, क्यों स्वतंत्र होंगे, क्योंकि यहां अलग अलग कामना कही गई है, इस कामना हो तो ये करे, ये कामना हो तो ये करे, अलग अलग कामना से अलग अलग क्रियाएं कही गई हैं, तो वो अलग अलग इष्टियां हो जाएंगी, जबकि पढ़ी भी बीच में है, ठीक है। और कोई तो आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 334 मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का चौथा पाद, इसका ये 12वां अधिकरण है, शीर्षक है तत्सिद्ध्यधिकरणम्, तत्सिद्धि अधिकरणम्, उसकी सिद्धि का अधिकरण। उसके लिए खोला इन्होंने, दूसरा नाम दिया यजमान शब्दस्य प्रस्तरादि स्तुत्यर्थाधिकरणम्, यजमान शब्द के लिए, यजमान के लिए प्रस्तर आदि शब्दों का प्रयोग करना ये स्तुति के लिए है, प्रस्तर की स्तुति के लिए है बस। तो भाष्य देखिए, दो वाक्य इन्होंने दिए, यजमानः प्रस्तरः, यजमान प्रस्तर होता है, यजमानः एक कपाल है, यजमान एक कपाल होता है, दो तरह से अर्थ कर सकते हैं, ये जो प्रस्तर है ये यजमान कहलाता है, ये जो एक कपाल है ये यजमान कहलाता है, तो सकें कि जो यजमान है वो प्रस्तर होता है, यजमान है वो एक कपाल होता है, जैसे आयुर्वेद घृतम, आयु घृत है, घृत आयु है या आयु घृत है, घृत आयु है या आयु घृत है, घृत आयु है, क्योंकि घृत से आयु की वृद्धि होती है, इसलिए घृत को आयु कह दिया गया, आयु को तो घृत नहीं कहेंगे, दो दो अलग अलग ढंग से सोचा जा सकता है। तो ऐसे यहां पर यजमानः प्रस्तरः, यजमानः प्रस्तरः, वैसे यहां पर प्रस्तर के लिए कहा जा रहा है कि जो प्रस्तर है वो यजमान है, और दूसरा जो एक कपाल है वो यजमान है, ये कथन किया गया, लेकिन आगे विवेचना में दोनों तरह से भी आगे बात करेंगे। तो देखिए, एक कपाल का मतलब तो आप समझते ही हैं कि एक कपाल पर पकाया हुआ जो पुरोडाश है, उस पुरोडाश को एक कपाल कहते हैं, तो जो वो ऐसा पुरोडाश है वो छोटा सा होगा, छोटा पुरोडाश होगा, तो वो उसको यजमान कहा गया कि ये यजमान है। अब ये उस पुरोडाश की प्रशंसा की गई है, सिद्धांती का कहना है, कैसे वो आगे समझेंगे। दूसरा है प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब है कि कुशा को ये काटते हैं, वेदी पर बिछाने के लिए कुशा को काटते हैं, वेदी का मतलब क्या हुआ कि जब आपने तीन अग्नियां देखी थी, दक्षिणात्य, दक्षिणात्य, गार्हपत्य और आवनीय, तो गार्हपत्य और आवनीय के बीच में, आवनीय की तरफ पूर्व दिशा की तरफ का जो बीच का भाग होता है, थोड़ा यूं तिरछा करके किया होता है, बीच में से सकड़ा और यूं चौड़ा होता है, तो
आवनीय से पहले का जो भाग होता है उसको वेदी कहते हैं। उस वेदी में श्रुवा चम्मच आदि ये चीजें रखी जाती हैं, जो पात्रों से जिनसे आहुतियां देते हैं उनको रखा जाता है, और रखने से पहले नीचे कुश को बिछाया जाता है, उसके ऊपर उनको रखा जाता है। नीचे कुश बिछाई जाती है उसका इनका क्रम है। तो जिस कुश को लेते हैं काटते हैं जंगल में, जैसे खड़ी भी है वो, उसको खेत में काटते हैं तो पहली मुट्ठी को पकड़ते हैं और वो काट लिया, हाथ में जितना आया वो काट लिया, ये पहली मुष्टि हो गई। ऐसे चार मुष्टियां लेते हैं, चार लेते हैं, और उसमें से जो पहली वाली मुष्टि थी उसको जब बिछाया जाता है उसको प्रस्तर बोलते हैं। इसमें क्या करते क्या है, जो पीछे की तीन मुट्ठियां थी जो काटा हुआ था उनको पहले नीचे बिछाते हैं, सबसे पहले नीचे, बाद की जो तीन थी उनको बिछाते हैं, पहली वाली को अलग रखते हैं। और जो नीचे बिछाते हैं वो कैसे कि उसके तिनके का जो ऊपर का भाग होता है पतला और एक नीचे का भाग होता है जो कटा हुआ, तो पूर्व दिशा की तरफ उसके अग्र भाग को रखते हैं, जो पतला ऊपर का भाग होता है उसको पूर्व की तरफ रखते हैं, उसको कहते हैं प्रागग्र। प्राग दिशा में अग्र भाग है उसका प्रागग्र, उसको यूं बिछाते हैं और उसको यूं 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 फैला देते हैं, तिनकों को हाथ में लेके यूं फैला, देखा होगा ना आपने, एक फैला दिया, अब नीचे और भी फैलाना है, पूरे को ढकना है, तो दूसरी बार फिर फैलाते हैं ऊपर नीचे थोड़ा सा। उसमें क्या करते हैं, जो पहला वाला था उसका जो नीचे का भाग कटा हुआ था मोटा भाग, दूसरे वाले का ऊपर का भाग उसके ऊपर आ जाता है, नीचे पहले वाले के निचले भाग के ऊपर दूसरे वाले का ऊपर का भाग यूं ढक जाता है, एकदम अलग अलग नहीं करते हैं, तो दूसरा तीसरा ऐसे बिछा देते हैं। ये तो सबसे नीचे का हो गया। फिर उसमें दो तिनके जो मजबूत होते हैं वो उत्तर की तरफ मुख रख करके रखे जाते हैं, उदगग्र, उत्तर दिशा की तरफ उनका अग्रभाग होता है, ऐसे एक उधर और एक इधर, दो तिनके मोटे रखे जाते हैं, उसको विधृति कहते हैं। तो पहले प्रागग्र बिछा दिया पूरा, बीच में दो बिछाए उसको उदगग्र हो गए, अब उसके ऊपर से फिर पहली मुट्ठी को बिछाते हैं प्रागग्र, ये प्रस्तर कहलाता है। जो सबसे ऊपर वाला होता है इसको प्रस्तर कहते हैं, जो प्रथम मुष्टि से होता है। अब इसमें ये शैली है प्रागग्र और उदगग्र, पूर्व दिशा की तरफ अग्रिम भाग छोर होना चाहिए या तो उत्तर की तरफ होना चाहिए, ये सब विधियों के अंदर किया जाता है। जैसे तिनके बिछाने हैं कुछ बिछाना है, इसमें भी है। हम जो जल सिंचन करते हैं वहां भी यही बात है। जल सिंचन में अदिते नुमन्यस्व हम जब करते हैं तो क्या करते हैं, जो पूर्व दिशा में बैठा है यानी पश्चिमा विमुख है वो अपनी बाई तरफ से दाई तरफ ईशान कोण की तरफ ले जाता है, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ इधर से यूं ले जाता है, ठीक है। उसमें अगर मान लो ये यजकुंड है, उधर पूर्व दिशा इधर पश्चिम दिशा, तो वो इधर से इधर लेके जाता है, जल सिंचन करता है, ये ईशान कोण है या दीपक रहता है, तो इधर से इधर किया तो ये अंत अग्र कहां हुआ इसका, जो समाप्ति हो रही है वो अग्र कहलाएगा, जहां से शुरुआत की वो उसका तलवा कहलाएगा नीचे का भाग, तो ये उदक अग्र हुआ, हो गया। दूसरा जल सिंचन यजमान करता है जो पूर्व दिशा की तरह, वो भी अपने दाई तरफ से, वो अपने दाई तरफ से बाएं हाथ की तरफ करता है, दाई तरफ से बाई तरफ करता है ना, तो ये भी इधर से यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ गया, ये भी उदक अग्र हुआ। अब तीसरा जो है सरस्वती अनुमन्यस्व, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ कर रहा है, ये उदगग्र हुआ प्रागग्र। हाँ, ये प्रागग्र हुआ, पहले दो उदगग्र हो गए और ये प्रागग्र हुआ, तीन हो गए। अब जो अंतिम वाला बचा वो यहां से प्रारंभ करके पूरा करके और यहां छोड़ा जाता है। यहां क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें ये प्रागग्र होगा। कई जने इसको अलग ढंग से करते हैं, यहां ला करके यहां बीच में समाप्त करते हैं, यहां से शुरू करते हैं ला करके यहां बीच में समाप्त करते हैं। अगर यहां बीच में समाप्त किया है तो अब ये किसकी तरफ अग्र दिशा वाला है, दक्षिण अग्र हो जाएगा, ये उदक अग्र होना चाहिए, ये समाप्ति इसकी यहां होनी चाहिए, जो चारों तरफ भी जा रहा है वो भी ऐसे ही होनी चाहिए। इसी तरह से हम जो आघार आहुतियां देते हैं वो भी, चाहे हम उत्तर की तरफ दें चाहे दक्षिण की तरफ, यूं उधर करके यूं लंबी देते हैं, लंबी देते हैं, वो कहां जाके समाप्त होती है, प्रागग्र समाप्त होती है, प्रागग्र होती है।
तो आहुतियां देते हैं, जल सिंचन करते हैं, ये तिनके रखते हैं, जो भी रखते हैं, तो ये दो दिशा निर्धारित हैं, या तो प्रागग्रह होता है या उदगग्रह होता है। तो ये जो प्रस्तर हैं ये ऊपर की तरफ रखे जाते हैं। अब इसके ऊपर चमस आदि, श्रुवा आदि ये चीजें, पात्र रखे जाते हैं, सम्मान और उसके लिए अच्छे के लिए है ये। तो प्रस्तर, तो ये जो प्रस्तर है ये यजमान है, ये जो एक कपाल है ये यजमान है, इत्यादि समामनायते, ये ऐसे वचन हमारे को मिलते हैं। तत्र संदेह, इसमें संदेह है कि किम यजमान प्रस्तर इति एष गुण विधि किम अर्थवाद। तो पहला उदाहरण इन्होंने लिया अभी केवल, यजमान प्रस्तर, ये गुण विधि है या अर्थवाद है। आगे, तथा यजमान एक कपाल आई थी, इसी तरह से यजमान एक कपाल जो दूसरा वचन है उसके लिए भी प्रश्न होगा कि ये गुण विधि है या प्राशस्त्य कथन है, केवल अर्थवाद है। तो किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है गुण विधि रीति, ये गुण विधि है। तो सिद्धांती पूछता किम एवं भविष्यति, इसको गुण विधि मानने से फर्क क्या पड़ेगा, क्या होगा। तो एवं अपूर्वम अर्थम विधास्यति, जब इसको हम गुण विधि कहेंगे तो अपूर्व अर्थ का विधान होगा, क्योंकि इस गुण की विधि पहले नहीं की गई है, अज्ञात है, अविज्ञेय है, तो नई बात कही जाएगी। तो विधान हो रहा है तो नए का ही होना चाहिए, तो हमने नए का विधान हो जाएगा, ये सार्थकता होगी। इतर्था अर्थवादो अनर्थ का स्यात्, यदि आप गुण विधि नहीं करेंगे तो आप अर्थवाद मानेंगे, और अर्थवाद मानेंगे तो यह अनर्थक हो जाएगा। और अर्थवत्वंच न्याय्यम, जो सार्थकता है वो उचित है, न्याय है, सार्थकता तो होनी ही चाहिए, कुछ कथन किया है तो सार्थकता तो होनी चाहिए, तो हम यही सार्थकता कर लेंगे गुण विधि की। तस्मात विधि ही, इसलिए ये विधि है, यानी गुण विधि है। इस पर सिद्धांति 23वें सूत्र में कह रहा है तत्सिद्धि ही, कि इसको जब हम इसको यानी इसको गुण मानेंगे तो गौण अर्थ से ये यहां पर स्तुति अर्थवाद मानेंगे तो तत्सिद्धि यानी यजमान के कार्यों की सिद्धि होती है, सिद्धि कार्य की सिद्धि होती है ऐसा मानेंगे तो। तो कहा कि नैतदेवम, ये इन्होंने भाष्यकार ने स्वयं जोड़ दिया नैतदेवम, ये नहीं है, क्योंकि उन्होंने पृष्ठभूमि नकार की दी थी, पूर्व पक्षी को दे दिया, तो नैतदेवम ये ठीक नहीं है। यदा विधि स्यात्, कहा कि अगर इसको विधि मान लिया जाए तो क्या होगा, वो दोष दिखा रहा है, यदि गुण विधि माना जाए तो क्या होगा। तो कहा प्रस्तर कार्य यजमानो नियम्येता, प्रस्तर के कार्य में यजमान को लगाना पड़ेगा। ये कब बात हो जाएगी कि जब यजमान को प्रस्तर माना जा रहा है, यजमान को प्रस्तर माना जा रहा है कि ये यजमान क्या है, प्रस्तर है, तो प्रस्तर के जो कार्य थे उन कार्यों में यजमान को लगाया जाएगा। प्रस्तर के जो कार्य थे, मान लो एक मंत्री है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह पर जब आएगा, ये अब राष्ट्रपति है तो उनके कार्य को करेगा। तो ऐसे ही प्रस्तर, यजमान को जब प्रस्तर कहा जाएगा ये प्रस्तर है, तो जो प्रस्तर के कार्य प्राप्त हो रहे हैं वो उसको करने होंगे। तो प्रस्तर कार्य यजमानो नियम्येता, प्रस्तर के कार्यों में यजमान को लगाना पड़ेगा। दूसरा, यजमान कार्य वा प्रस्तर, अथवा यजमान के कार्य में प्रस्तर को लगाना पड़ेगा। ये दूसरा अर्थ कब निकलेगा, जब प्रस्तर को यजमान मानेंगे। अब जैसे यजमान प्रस्तर ये जो था, अब इसमें उद्देश्य और विधेय क्या है। यदि यजमान को उद्देश्य माने और प्रस्तर को विधेय माने तो यजमान को प्रस्तर बनाया जा रहा है, और यदि यजमान को विधेय माने और प्रस्तर को उद्देश्य माने तो प्रस्तर को यजमान बनाया जा रहा है। एक जगह यजमान को प्रस्तर बनाया जा रहा है, एक जगह प्रस्तर को यजमान बनाया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है दोनों बातें। तो इन्होंने दोनों ढंग से कहा, तो यजमान कार्य वा प्रस्तर, यदि यजमान, यदि प्रस्तर को यजमान कहा जा रहा है तो प्रस्तर से वो कार्य किए करवाए जाएंगे जो यजमान करता है, यजमान के कार्य प्रस्तर को प्राप्त होने लगेंगे, ठीक है। अब वो क्या कार्य है, तो उन्होंने कहा देखो प्रस्तरे जुहुम आसादयति सर्वाचस्सु च इति, प्रस्तर का क्या कार्य है, प्रस्तर के ऊपर जुहू और सारे श्रुवाओं को रखता है, नीचे प्रस्तर रहता है ना उसके ऊपर रखता है। तो बोले इति यजमाने जुहू आसाद्येता, तो यजमान के ऊपर भी जुहू और श्रुवा को रखना पड़ेगा, वो यजमान कहीं बैठा हुआ है उसके ऊपर ही ला करके रखो, फिर
प्रस्तर का कार्य यजमान को प्राप्त होने लगेगा। आगे सर्वा व सुचयति, और जितने भी श्रुव हैं वो भी उसके ऊपर रखने होंगे। तथा सती, और ऐसा होने पर क्या होगा, न याजमान शक्यते कर्तुम, तो फिर ये जो यजमान है वो यजमान के कार्यों को नहीं कर पाएगा, क्योंकि या तो उस वेदी में प्रस्तर की जगह पर उसको लटा दिया जाएगा यजमान को, और उसके ऊपर जूहू श्रुव आदि रखे जाएंगे, तो अब यजमान अपने कार्य तो कर नहीं पाएगा, वो तो वहां लेटा रहेगा, उसके ऊपर श्रुव आदि रखे रहेंगे, तो कहा वो अपने कार्य नहीं कर पाएगा। कौन से, दक्षिण तो ब्रह्म यजमान आसाते कर्मण क्रियमानस्य, जब कर्म किया जा रहा होता है उस समय में अग्निय के या वेदी के, वेदी के दक्षिण भाग में ब्रह्मा और यजमान बैठते हैं, दोनों जने बैठते हैं, वहां आपने देखा ही होगा अग्निय के और वेदी के इधर बैठते हैं वो, तो उसका वहां बैठने का काम है जिस समय क्रिया चल रही है, और यहां वो प्रस्तर की जगह पर रखा रहेगा तो वहां तो नहीं बैठ सकेगा ना, अपना कार्य नहीं कर पाएगा, ये दोष बताया। अब दूसरा वाला दोष जो था उसके लिए कह रहे हैं, न च प्रस्तरो यजमानम कर्तुम शक्यते कर शक्नोति कर्तुम, और जब प्रस्तर को यजमान माना, प्रस्तर को यजमान माना तो यजमान के कार्य प्रस्तर को प्राप्त होने लगेंगे, प्रस्तर को यजमान वाले कार्य करने होंगे, तो वो यजमान के जो कार्य हैं उनको यजमान कहा इन्होंने, तो न च प्रस्तरो यजमानम शक्नोति कर्तुम, यजमान के कार्य क्या है, जैसे व्रत है, दीक्षा है, ये सब कार्य हैं, तो प्रस्तर उन कार्यों को कहां कर सकता है। तथा यदि यजमान एक कपाल कार्य विनियुज्यता, तो अभी तक जो इन्होंने कहा था ये तो यजमान प्रस्तर को लेकर चर्चा थी, और अब जो दूसरा वाक्य था यजमान एक कपाल उसको लेकर के बात कही है, वहां भी ऐसा ही होगा, यजमान को एक कपाल कहा जा रहा है या एक कपाल को यजमान कहा जा रहा है, उसमें क्या दोष आएंगे वो बता रहे तथा कहके। तो यदि यजमान एक कपाल कार्य विनियुज्यत है, यदि यजमान को एक कपाल के कार्य में लगाया जाए, तो यजमान को एक कपाल के कार्य में लगाया जा रहा है तो किसको क्या कहा जा रहा है, यहां पर यजमान को एक कपाल कहा जा रहा है, ये यजमान है वो एक कपाल है, एक कपाल पुरोडाश है, तो जो पुरोडाश एक कपाल पुरोडाश के जो कार्य थे वो यजमान को प्राप्त होने लगेंगे, इसलिए इन्होंने कहा कि तथा यदि यजमान है एक कपाल कार्य विनियुज्यता, एक कपाल के कार्य में लगने लगे तो सर्वहूतक क्रियेत, उसके सारे की आहुति देनी पड़ेगी, और सारे की तो कैसे वो अलग है, लेकिन आहुति देनी पड़ेगी क्योंकि पुरोडाश की तो आहुति दी जाती है। इसमें सारे की आहुति क्यों दी जाती है, अन्य जो पुरोडाश होते हैं जैसे अष्टा कपाल है, द्वादश कपाल है, एकादश कपाल है, तो चूंकि अनेक कपाल होते हैं तो वो बड़ा बनता है, पुरोडाश बड़ा बनता है, तो उसमें से आहुति पूरे की नहीं दी जाती है, उसमें कहीं आगे का एक अंगुष्ठ मात्र भाग लेते हैं, थोड़ा सा पीछे का लेते हैं, पूर्व दिशा का, पश्चिम दिशा, उत्तर का, ऐसे अलग अलग जगह से ले लेकर के आहुति दी जाती है, उसका विधान है, यानी पूरे की आहुति नहीं दी जाती है। लेकिन जो पुरोडाश एक कपाल के ऊपर बना हुआ होगा वो कितना सा छोटा होगा, वो कपाल भी छोटे छोटे से होते हैं, ऐसे कोई बड़े वाले कपाल नहीं होते, छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है, तो उस पर जो पुरोडाश बना है वो छोटा सा ही तो होगा, तो जो एक कपाल पुरोडाश होता है उसके पूरे की आहुति दी जाती है, क्योंकि वो होता ही अंगुष्ठ मात्र है लगभग, उसी में से टुकड़े कर करके देंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो कहा कि जो एक कपाल पुरोडाश है उसके तो पूरे की आहुति दी जाती है, टुकड़े की नहीं दी जाती, ऐसे ही यजमान को भी पूरे के पूरे को वहां आहुत करना पड़ेगा। अब यजमान वहां चला जाएगा तो क्या होगा, तत्र सर्वतंत्र परिलोप स्यात्, ये पूरे तंत्र का याग का लोप हो जाएगा, वही तो करवा रहा था उसी के लिए तो हो रहा था, ये सारा हो जाएगा। न च एक कपालो यजमानम शक्नोति कर्तुम, अब ये विपरीत कह रहे हैं, ये जो एक कपाल है वो यजमान के कार्य नहीं कर सकता, ये अर्थ कब बनेगा, जब यूं कहेंगे कि एक कपाल यजमान होता है, पहले था यजमान एक कपाल होता है तो यजमान की आहुति देनी पड़ेगी, और जब कहा कि एक कपाल पुरोडाश यजमान है तो एक कपाल पुरोडाश को यजमान के कार्य करने पड़ेंगे, वो हो नहीं सकते, वो कर नहीं सकता है, तस्मात् न विधि, इसलिए यहां पर गुण विधि नहीं है ये। विध्यंतरम च अस्ति, और इसके यानी एक कपाल और प्रस्तर आदि के लिए अन्य विधियां हैं, अन्य इनके कार्य बता रखे हैं, इसलिए भी यहां पर ये अर्थ नहीं ले सकते। दूसरी बात, दूसरा प्रमाण प्रस्तुत करें, विध्यंतर है, प्रस्तरम उत्तरम बरहिशय साधयति, प्रस्तर को बाद वाले ऊपर बरही का, बरही के ऊपर बिछाता है, नीचे थी बरही फिर उसके ऊपर भी करता है, और एक कपालम सर्वहूतम करोति, एक कपाल को पूरे के पूरे को आहुति देता है,
तो यदि एक कपाल पुरुडाश यजमान के कार्य करने लगेगा तो सर्वभूत नहीं होगा, तो इसके लिए अलग कार्य बता रखा है। इसलिए भी आप वहां गुण विधि नहीं कर सकते, और गुण विधि करके फिर अन्य कार्य प्राप्त होने लगेंगे वो फिर गलत हो जाएंगे। आगे तस्मादपि न विधि, इस कारण से भी ये विधि नहीं है। किम तरही, तो कहा अर्थवाद है, ये तो अर्थवाद है। यजमानो ज्ञायते एव, अल्पविराम, प्रस्तरा एक कपाल इति च, यजमान जो है वो जाना जाता है, यजमान जाना जाता है, कौन, प्रस्तर एक कपाल, प्रस्तर और एक कपाल को यजमान जाना जाता है। यहां पर प्रस्तर और कपाल को, एक कपाल को यजमान जाना जाता है, और जो ज्ञात होता है उसकी विधि नहीं होती है, ज्ञात होता है उसकी विधि नहीं होती है, वैसे वो एक अलग बात है, लेकिन यहां पर प्रस्तर और एक कपाल को यजमान जाना जाता है, ये यहां पर प्रशंसा के रूप में कहा गया है। आगे देखिए, पूर्व पक्षी अभी भी प्रश्न कर रहा है, उसका तो खंडन हो गया पूर्व पक्षी का, लेकिन अब ये सिद्धांती ने जो बात रखी उस पर वो प्रश्न खड़ा कर रहा है कि कथम पुनरनयो समानाधिकरण्यम जायते, इनकी समानाधिकरणता कैसे है, कि यजमान एक कपाल है, यजमान प्रस्तर, ये जो कथन किया गया ये या तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है दोनों में, तो वैसे तो समानाधिकरण्य है, वचन विभक्ति सब समान आ रहे हैं, लेकिन समानाधिकरणता है कैसे, बन कैसे रही है, ये प्रश्न किया। तो नहीं प्रस्तर एक कपालो वा यजमान, क्योंकि ये जो प्रस्तर, प्रस्तर है एक कपालो वा, प्रस्तर हो अथवा एक कपाल हो वो यजमान तो है नहीं, तो इनमें समानाधिकरण कैसे घटेगा। यहां थोड़ा संशोधन कीजिए नीचे, ये जो नहीं करके है इसमें नीचे हिंदी में व्याख्या में देखिए, इन्होंने कोष्टक में समाधान लिखा हुआ है, दूसरी पंक्ति देखिए, इस समाधान को काट दीजिए, समाधान जो लिखा हुआ है कोष्टक में इसका मतलब ये नया व्यक्ति बोल रहा है, ये नया व्यक्ति नहीं बोल रहा है, वही बोल रहा है, पूर्व पक्षी ही बोल रहा है। नहीं प्रस्तरा एक कपालो वा यजमान, आगे न च यजमान एकस्मिन कपाले संस्कृत है पुरुडाशा, और ये जो यजमान है वो एक ही कपाल में पकाया हुआ पुरुडाश भी नहीं है, और प्रथमो वा कुछ मुष्टिर लूना, और जो प्रथम कुशा की मुष्टि थी एक मुट्ठी में जो लिया गया था उसी को तो प्रस्तर के रूप में वहां फैलाया गया था, तो वो भी नहीं है ये यजमान। तो इसके ऊपर ये तो है नहीं, पूर्व पक्षी कह रहा है ये सारा का सारा ये तो है नहीं, तो समानाधिकरण ने कैसे है, वही पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, कथम पर शब्द है परत्र वर्तते, ये दूसरा, दूसरा को कहने वाला शब्द दूसरे में कैसे प्रयोग किया जा रहा है, यजमान शब्द अलग को कहता है, एक कपाल अलग को कहता है, प्रस्तर अलग को कहता है, तो ये एक दूसरे में कैसे प्रयोग किए जा रहे हैं। किमर्थम वा जायमानस्य संकीर्तनम इति, जिसको जाना जाना है उसका फिर से कथन यहां पर क्यों किया जा रहा है, संकीर्तन क्यों किया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा आप और देखिए, पृष्ठ संख्या 337 पर रेखा के नीचे जो हिंदी का भाग है, या ये दोबारा छप गई है पंक्ति, तो पहली पंक्ति पूरी कट जाएगी और दूसरी पंक्ति में जो गई है ये भी कट जाएगा। इसके पूर्व पृष्ठ पर गई लिखा हुआ है, अथवा प्रथम काटी गई कुशा की मुष्टि है, यहाँ पर ऊपर की एक पंक्ति और नीचे गई, ये शब्द काट दीजिए, और फिर जो ये आक्षेप लिखा हुआ है इसको भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही पूर्व पक्षी ही चला आ रहा है। हाँ, तो देखिए यहां किमर्थम वा जायमानस्य संकीर्तनम इति, ये क्यों किया जाता है, कि जो जाना गया है यानी ये जो पहले से पता है उसका संकीर्तन क्यों किया जा रहा है, उसको क्यों पढ़ा जा रहा है। तो उसमें अब सिद्धांति उच्चते से, यहां सिद्धांति उत्तर दे रहा है, उच्चते जायमान संकीर्तेते स्तोतुम, जो जाना गया है उसका संकीर्तन फिर से क्यों किया जा रहा है, उसकी स्तुति के लिए किया जा रहा है। तो जो प्रस्तर और एक कपाल पहले से पता थे उनका फिर से कथन किस लिए किया जा रहा है, उनकी स्तुति के लिए किया जा रहा है। कैसे स्तुति है वो आगे बता रहे हैं, प्रस्तर है उत्तरो बरहिष साधयितव्यो यजमानत्वात्, वो जो प्रस्तर है पहला मुष्टि कुश मुष्टि है वो ऊपर बरही के ऊपर बिछाया जाना चाहिए, क्यों, यजमानत्वात्, यजमान होने के कारण से।
यजमान क्या मुख्य होता है, उसी के लिए सब कुछ हो रहा होता है। तो वो जो पहली मुष्टि है वो चूंकि औरों के ऊपर रखी गई है तो उसका महत्व अधिक आ गया, विशेष हो गया। तो जैसे यजमान विशेष होता है ऐसे ये भी विशेष है, इसको ऊपर रखा गया है, बस इसलिए उस प्रस्तर को यजमान कह दिया गया है कि उसकी स्तुति है कि देखो ये विशेष है। बस आगे तथा यजमान एक कपाल सर्वहूता कर्तव्य है, तो ये जो यजमान है उसको एक कपाल कहा गया तो किस लिए, उसको सर्वहूत करना चाहिए, वो एक कपाल का जो है पुरोडास उसको पूरे को डालना चाहिए। क्यों, स्वर्ग आह्वनीय, ये जो आह्वनीय अग्नि है ये स्वर्ग है पुरोडास के लिए, पुरोडास उसमें जाएगा ना, तो स्वर्ग आह्वनीय तत्र प्रतिष्ठापित तो भवती, ये जो एक कपाल पुरोडास है वहां पर पूरा का पूरा रखा जाता है आह्वनीय अग्नि में और वो स्वर्ग है, तो इसलिए उसको भी यजमान कहा गया। अब यजमान स्वर्ग के लिए याग कर रहा है तो यजमान स्वर्ग में पूरा का पूरा जाएगा या एक अंश में जाएगा, पूरा का पूरा जाएगा ना, आधे में क्या जाएगा, मतलब नहीं है। तो जैसे यजमान स्वर्ग में पूरा का पूरा जाता है ऐसे ये पुरोडास आवनीय अग्नि में पूरा का पूरा जा रहा है, इसलिए उसको यजमान कह दिया गया, उसकी स्तुति है, देखो ये पूरा का पूरा जा रहा है। बाकी जो पुरोडास हैं, बाकी जो अष्टाकपाल एकादश कपाल हैं वो पूरे के पूरे नहीं जाते, अंश में जाते हैं, उनकी यजमान से समानता नहीं है, ये पूरा का पूरा जाता है इसलिए उसको यजमान कह दिया गया, ये स्तुति मात्र है उसकी। आगे अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है कथम परत्र वर्तते पर शब्द, जो अन्य को कहने वाला शब्द है वो अन्य को कैसे कह रहा है, दूसरी जगह कैसे प्रयुक्त किया जा रहा है, तो सिद्धांति कह रहा है गुणवादस्तु, ये गुणवाद है, गुणाद एषः वादः, गुण के कारण, गौण के कारण से या गुणों के कारण से ये कथन किया जा रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है कथम अगुण वचनो गुणम स्यात्, जो गुण वचन नहीं है गौण अर्थ को नहीं कहने वाला है वो गौण अर्थ को कैसे कह रहा है, हाँ कथम अगुण वचनो गुणम ब्रूयात, हाँ जो गुणवाची नहीं है गौण नहीं है मुख्य अर्थ को कह रहा है वो गौण अर्थ को कैसे कहेगा, तो सिद्धांत कह रहा है स्वार्थाभिधानेन इति ब्रूमा, अपने अर्थ को कहता हुआ ही कहेगा, वो अपने अर्थ को कहता हुआ ही ये गौण अर्थ को कहेगा। सर्वे एवैते गौणाः शब्दाः, यहां सर्वे कर लीजिए और गौणाः के बाद में अल्प विराम है उसको काट दीजिए और शब्दाः के बाद में अल्प विराम है वो रहने दीजिए। सर्वे एवैते गौणाः शब्दाः, ये जो सारे के सारे हैं ये गौण शब्द हैं, ये जितने भी गौण शब्द हैं ये न स्वार्थम हित्वा गुणेषु वर्तन्ते, अपने स्वार्थ को छोड़ करके गौण अर्थ में नहीं बरतते हैं, जो भी जितने भी गौण शब्द हैं यानी गौण अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं वो अपने अर्थ को छोड़ करके गौण अर्थ में नहीं होते हैं, अपने अर्थ को लेते हुए गौण अर्थ में लगते हैं, वो अर्थ वहां पर होना चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं प्रसिद्ध हानि रही तथा स्यात्, यदि ये अपने स्वार्थ को छोड़ करके लगने लगेंगे तब तो प्रसिद्ध की हानि हो जाएगी और अप्रसिद्ध की परिकल्पना करनी पड़ेगी, ये दोष आएगा। न च सर्वे गुण समुदाय वचना, ये जितने शब्द हैं ये गुण समुदाय के वचन नहीं है, अर्थ गुण समुदाय मतलब पूरे के पूरे गुण को कहने वाले हों ऐसा नहीं है। गुण हीने भी तथा दर्शनात्, क्योंकि जहां इनके गुण की हीनता होती है वहां पर भी देखे जाते हैं, ये शब्द गुणवाची हैं किसी व्यक्ति को जाति को कहते हुए भी उसके सारे गुणों को कहते हैं लेकिन कहीं कहीं वो गुण नहीं होता है तो भी बोले जाते हैं, तो गुण हीने भी तथा दर्शनात् देखा जाता है। कैसे, उसके लिए उदाहरण दिया अप्रसह्य कार्यम अपि, अप्रसह्य कार्य अपि ही कदाचित रोगेण उपहतः सिंह्याः पुत्रः सिंहः एव, शेरनी का जो पुत्र होता है, सिंहनी का जो पुत्र होता है, सिंही का जो पुत्र होता है वो सिंह ही कहलाएगा, लेकिन यदि वो अप्रसह्यकारी है यानी बढ़ चढ़ के जैसे आक्रमण करता है ना, प्रसह्यकारी कहते हैं आक्रमण करके बलात् किसी को झपट लेना, तो वो दूसरों को वश में नहीं कर पा रहा है, अप्रसह्यकारी है। कैसे, कदाचित रोगेण अपहतः, किसी रोग से, कभी किसी रोग से ग्रस्त हो गया तो अब वो किसी को पकड़ नहीं सकता है, तो अप्रसह्यकारी है, आक्रमण करके किसी को ले नहीं रहा है, फिर भी चूंकि वो शेरनी का बेटा है इसलिए वो शेरी कहलाएगा। तो सिंह शब्द यद्यपि गुणवाची है सब गुणों को कहता है लेकिन कहीं कुछ गुण नहीं होता है तो भी कहता है वो, तो सारे गुण वहां पर हों ही ये आवश्यक नहीं होता है। सुमदाय वाची च नावयवे प्रवर्त
प्रवर्तितुम अर्हति। तो जो समुदायवाची है, पूरे समुदाय को जो कहने वाला है, वो उसके एक अवयव में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। इसका पंक्ति का सामान्य अर्थ है, और इसकी आलोचना भी युधिष्ठर जी ने की है कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो समुदायवाची शब्द होता है वो भी किसी एक अवयव में प्रवृत्त हो जाता है। पीछे इन्होंने व्याख्या की है, जो समुदायवाची शब्द है वो एक अवयव में भी प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे कि हम कहें कि मेरे हाथ में कांटा चुभ गया, हाथ में पीड़ा है, तो इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे शरीर में कांटा चुभा है, शरीर में पीड़ा है। शरीर का कहते हुए हम एक अवयव में भी कह सकते हैं, और अवयव में होते हुए भी हम शरीर का ही मानेंगे उसको, एक ही बात है। तो ऐसा देखा जाता है, इसलिए इन्होंने इसकी आलोचना की है। तो मैं इसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये बात सिद्धांती अभ्युपगम से कह रहा है कि यदि ये शब्द समुदायवाची होवें तो ये अवयव में प्रसिद्ध नहीं हो सकते। अगर ये समुदायवाची होवें तो, यानी पूरा समुदाय सारे गुण हो तभी ये प्रयुक्त हो जाएं, ऐसा यदि होगा तो अवयव में प्रयुक्त नहीं हो सकते। जो पीछे कहा ना, न च सर्वे गुण समुदाय वचना, वही बात कही गई। ये जो सारे शब्द हैं ये सभी गुणों को होने पर ही कहते हो, सबको मिल, सब गुण हो तभी कहते हो, ऐसा नहीं है। अपवाद बताया कि ये कहीं कोई गुण कम होता है तो भी ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उस संदर्भ में इसको देखेंगे तो ये वाक्य ठीक है कि समुदायवाची, यदि ये समुदायवाची हैं यानी पूरे समुदाय के सारे गुणों को कहने वाले हो रहे हैं तो न अवयवे प्रवर्तितुम अर्हन्ति, ये एक अवयव में प्रसिद्ध नहीं हो सकते। दूसरे ढंग से इसको यूं कहिए, इसको और दूसरे ढंग से संगति कर रहा हूं कि यदि ये समुदाय, समुदाय का मतलब हो गया जाति, एक व्यक्ति होता है और एक जाति होता है, तो जाति तो पूरा समुदाय हो गया और व्यक्ति उसका एक अवयव हो गया, तो ये जो शब्द हैं ये समुदायवाची हैं, ये किसी एक व्यक्ति में प्रयोग नहीं किए जा सकते। अवयव मतलब उसे एक व्यक्ति में प्रयोग नहीं किए जा सकते, जो कि मीमांसा का सिद्धांत है। प्रयोग तो होता है, लेकिन वो प्रयोग होता है गौण से जाकर के, वैसे ये समुदायवाची ही मानेंगे, जातिवाची आकृतिवाची ही माने जाएंगे, उस दृष्टि से भी संगति देख सकते हैं। आगे देखिए, सर्व सिंह व्यक्तिषु यत सामान्यम तद वचनः शब्दः। शब्द किसको कहने वाला होता है कि सब सिंह व्यक्तियों में जो सामान्य बात होती है, जो जाति या आकृति, उसको कहने वाला शब्द होता है। अब देखिए कि जो जातिवाची शब्द है ये सब गुणों को नहीं कहेगा, जातिवाची शब्द उस जाति के व्यक्तियों में विद्यमान सारे गुणों को नहीं कहेगा, वो सामान्य बात को ही कहेगा जो सब में विद्यमान है। अब जैसे गाय के लिए कहें और गाय में गोत्व में कोई रंग भी डाल दें, हम इस रंग वाली गाय होती है, अब गाय तो अलग अलग रंग की होती हैं, तो यदि गो शब्द गो में विद्यमान सारे गुणों को कह रहा होता, सब गुणों को, सारे गुण हो तो ऐसा तो किसी भी गाय में नहीं मिलेंगे। किसी में कोई गुण भिन्न है, किसी में कोई गुण भिन्न है। गो जाति में या गो व्यक्तियों में जितने गुण मिलते हैं वो सारे के सारे गुण जहां पर हो वहां ये शब्द प्रयोग किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। रंग अलग अलग हैं, आकार प्रकार अलग अलग हैं, ये इसलिए, तो ये जो शब्द जातिवाची कैसे प्रयोग होते हैं कि कुछ सामान्यता को देख करके होते हैं, वो चीज़ सब में मिलेगी, और वो जो सब में मिल रही है वो कुछ ही गुण होते हैं, सारे नहीं होते हैं, क्योंकि व्यक्ति के अलग अलग गुण विशिष्ट होते हैं। तो जाति सिंह व्यक्तियों में जो सामान्य है उसको कहने वाला शब्द है। तो ये जो सिद्धांत था, यदि आप इनको कहोगे कि ये शब्द जहां सारे गुण हैं वहीं पर प्रयोग किए जाएंगे और जहां कुछ गुण है वहां प्रयोग नहीं किए जाएंगे तो ये दोष आएगा। तो कहें कि इति स्थितो न्याय प्रत्युद्ध्रियता, जो एक न्याय हमने सिद्ध किया था कि ये शब्द जातिवाची आकृतिवाची हैं, उसको आप फिर उखाड़ दोगे, ये मानी वो गलत सिद्ध करोगे, आप उसको गलत कह दोगे, जो चीज सिद्ध है उसको आपका वचन गलत बताने लगेगा, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। न च असति सिंहे परिकल्पनाया प्रवर्तेता, लेकिन अगर कोई शब्द कहीं प्रयोग हो रहा है तो शेर है नहीं और फिर भी वहां पर परिकल्पना प्रवृत्त हो तो वो ठीक नहीं है। क्यों? कल्पनाया अशक्यत्वात्, जो वो है ही नहीं तो वहां इस शब्द की कल्पना करना अशक्य है, हो नहीं सकती। तो कथम न स्वार्थाभिधाने न प्रत्यय व्यवस्था इति चेत, अब ये कह रहे हैं सिद्धांती ने पीछे कहा था
कि ये जो शब्द हैं अपने अर्थ को कहते हुए वहां पर कुछ बोध कराते हैं, गौण अर्थ को कहते हैं। पूर्व पक्षी ने पूछा था कि ये शब्द भिन्न अर्थ को कहता है, ये शब्द भिन्न अर्थ को कहता है, फिर एक को कहने वाला शब्द दूसरे की जगह क्यों लग रहा है, प्रस्तर के लिए यजमान शब्द क्यों बोला जा रहा है। तो सिद्धांति ने कहा था कि अपने अर्थ को कहता हुआ भी गौण अर्थ को कहता है। इसने पूछा कि ये कैसे है कि स्वार्थ को कहता हुआ प्रत्यय व्यवस्था होती है, ऐसा अगर वो पूछे इति चेत तो क्या अर्थ संबंधा, तो उसमें अर्थ की समानता रहती है। कैसे, तो सिंह इति निर्जाते, ये शेर है तो उसमें प्रसह्यकारिता, तत्र प्रायेण इति प्रसह्यकारी इति गम्यते, जो आक्रमण करके अपने वश में करना है ये प्राय करके शेरों में देखा जाता है, इसलिए जब ये शब्द किसी व्यक्ति के लिए मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वहां भी ये प्रसह्यकारी है, ये अर्थ वहां पर ज्ञात हो जाता है। तो अर्थ प्रत्यय सामर्थ्यात्, अर्थ को जनाने की सामर्थ्य होने से। तो यहां पर क्या भिन्नता हुई, क्या हुई, अर्थ का संबंध है, एक अंश यहां पर भी घट रहा है। तो यो ही मन्यते, जो ये मानता है प्रसह्यकारिणम प्रत्यायम इति, जो ये मानता है कि मैं इस मनुष्य में आक्रामकता को बताना चाहता हूं, ऐसा बताना चाहता है, सही यदि सिंह शब्दम उच्चा रहे थी और यदि वो सिंह सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु।